नमस्ते गाइस, राजेश ये नमस्ते टेक और इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ एक स्पीड टेस्ट, मल्टीटास्किंग और नैन स्टोरेज कंपैरिजन Redmi Note 5 Pro और Honor 8X के बीच में। तो Honor 8X जो है वो आप कह सकते हैं कि 2019 की बजट मिड रेंज डिवाइस है, जिसे Honor ने 2018 एंड में ही लॉन्च कर दिया है। ये फोन आइडियली जो है कम्पीट करेगी Xiaomi के अपकमिंग Redmi Note 6 Pro से, पर जब तक वो फोन नहीं आता तब तक तो Honor 8X का डायरेक्ट कंपटीशन Redmi Note 5 Pro से है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कौन सा फोन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, Honor 8X अपने Kirin 710 चिपसेट के साथ कि Redmi Note 5 Pro अपने Snapdragon 636 चिपसेट के साथ। इस स्पीड टेस्ट में हमने 9 एप्लीकेशंस और गेम्स लोड किए, जो इंक्लूड करता है हैवी गेम्स और एप्लीकेशंस जैसे कि Asphalt 8, Asphalt Extreme, कैमरा, क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फोटोशॉप लाइटरूम, स्नैपसीड और टेम्पल रन 2, और पूरी प्रोसेस को टाइम किया। स्पीड टेस्ट के सेकेंड राउंड में हमने इन्हीं एप्स और गेम्स को फ़ोन के रैम से लोड किया वापस, इनकी मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो स्पीड टेस्ट में Redmi Note 5 Pro ने लगाए 56 सेकेंड्स और Honor 8X ने लिए 54 सेकेंड्स, यानी कि दोनों फोन में सिर्फ 2 सेकेंड का अंतर है, जो मेरे हिसाब से तो मार्जिन ऑफ एरर के अंदर आता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि ये स्पीड टेस्ट जो है टाई हुआ है दोनों फोन्स में। एक तरफ से ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि Honor 8X जो है वो Kirin 710 चिपसेट के साथ आता है और ये आइडियली Redmi Note 6 Pro के साथ कम्पीट करेगा, लेकिन यहाँ पे तो ये Redmi Note 5 Pro को ही नहीं बीट कर पा रहा है जो 8 महीना पुराना है। दोनों ही फोन्स की मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस काफ़ी सरप्राइजिंग थी। दोनों ही फोन्स ने Asphalt 8 और Asphalt Extreme को अपने मेमोरी से अनलोड कर दिया। Redmi Note 5 Pro पहले ये नहीं करता था, लेकिन MIUI 10 के अपडेट के बाद से इसमें ये इशू आ गई है। वहीं पे Honor जो है उसकी इमोशन UI हमेशा से ही अपने एग्रेसिव मेमोरी मैनेजमेंट के लिए जाने जाती थी, और शायद इसी कारण से Honor 8X ने इन दोनों हैवी गेम्स को अनलोड कर दिया। नैन स्टोरेज स्पीड कंपैरिजन में भी दोनों फोन्स में एक तरह से टाई ही हुआ, पर Honor 8X का जो नैंड है उसकी रैंडम राइट परफॉर्मेंस Redmi Note 5 Pro के नैंड से 3 से 4 गुना अच्छी ज़रूर है। तो ओवरऑल मैं स्पीड टेस्ट में कहूँगा कि दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस इवनली मैच्ड है। Honor 8X जो है वो Snapdragon 636 पावर्ड Redmi Note 5 Pro को एक अच्छी टक्कर दे देता है। ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि जब Xiaomi Redmi Note 6 Pro को इंडिया में लाता है तब जो है Honor 8X कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि आइडियली ये फ़ोन उसी से डायरेक्टली कम्पीट करता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। ऐसा है तो हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।